Bismillahir Rahman Rahim Assalamu This is Dr Muhammad Ibrahimat, Assistant Professor Department of History and Art Division of Arts and Social Sciences University of Education Lahore The topic of today's lecture is Constitutional Development in Pakistan or Constitution Making Process in Pakistan 1947 to 56 इसमें हम देखेंगे कि पाकिस्तान में दस्तूर साजी का जो अमल है 1947 से 56 तक ये किस तरह से जारी रहा और कॉन्स्टिट्यूशन कांस, या दस्तूर बनाने का अमल किन मराहल से गुजरा आखिर क्यों इतने साल लगे 1947 से 56 तक ये इतने इतनी देर क्यों लगी फैक्टर क्या थे ये इसमें बेसिकली डेवलपमेंट हम देखेंगे सबसे पहले हमने ये देखना होगा कि जी होता क्या है वट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाई इट्स इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन्स टू मेनटेन लॉ एंड ऑर्डर फॉर द सेफ गार्ड ऑफ ह्यूमैनिटी फॉर द सेफ गार्ड ऑफ दैट ग्रुप और कम्युनिटी और स्टेट अ कॉन्स्टिट्यूशन इज प्राइमरली सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स Specifying how a country should be governed. In other words, we can say the constitution is a set of laws, principles written or unwritten on which the country to be governed. In other words, the system of fundamental laws and principles that prescribes the nature, function, limits of government or another institutions. कानून जो होता है वो रूल्स का या प्रिंसिपल का मजमू होता है जिसके ज़रिए किसी भी मुल्क को किसी भी रियासत को किसी भी जोग्राफ़ी को किसी भी इंस्टीट्यूशन को चलाया जा सके मतलब फाउंडेशंस गाइडलाइंस या दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि ये जो लॉज हैं ये रूल्स ये लॉज ये टाइम रिटर्न होते हैं समाइम अनरिटर्न भी होते हैं अगर हम माजी में जाएं माजी में तो बादशाहों के कहे हुए मुंह से निकले हुए अल्फाज भी कानून का दर्जा रखते थे और ये जो मजमु होता है इसके ज़रिए मुल्क को चलाया जाता है इसके ज़रिए ये आ, सेट किया जाता है तय किया जाता है कि नेचर क्या होगी और उसके फंक्शंस क्या होंगे गवर्नमेंट की लिमिट्स क्या होगी गवर्नमेंट की पावर्स क्या हैं गवर्नमेंट के अंदर इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं टू मेंटेन, टू इन्हेंस दैट कंट्री दैट स्टेट सो इंसान की बुनियादी ज़रूरिया में से एक दस्तूर भी है जो इंसान की बुनियादी ज़रूरियात में शामिल है जब पाकिस्तान बना 1947, उसके बाद जहाार पाकिस्तान को हासिल किया गया इस्लाम के नाम पर नारे लगाए गए ला लाह ला महमद रसोल्ला पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह रसूल लेकर ले रहेंगे ये पाक बन कर रहेगा पाकिस्तान और अकॉर्डिंग टू कादम कि पाकिस्तान जो है वो एक इस्लामी आप ये कह लें तजरबा है और इस्लाम बल्कि कायद अजम ने यह भी कहा था कि जो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान को होगा वो इस्लाम के कवानी या इस्लाम पर उसकी बुनियाद होगी सो जब पाकिस्तान बन गया बनने के बाद फिर लोगों की लोगों के माइंड में ये होता था कि पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत बनेगा और उसके बाद फिर माशरे में उस वक़्त या पाकिस्तान के लोगों में दो किस्म की क्लियर डिवीज़न थी कि एक वो लिबरल थे जो इस्लामी रियासत नहीं चाहते थे दूसरे अब ट्रेडिशनल कह लेंथक्रेट्स कह लें वो ये थे वो ये चाह रहे थे कि फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का जो भी हो वो इस्लामिक हो पाकिस्तान को इस्लामिक स्टेट बनना चाहिए इनके दरम्या एक टसल चल रही थी और इसी हवाले उलमा ने 22 नुकात भी पेश किए थे और जमात इस्लामी ने तहरीक भी चलाई थी इस्लामी नज़ाम के हवाले से पाकिस्तान में लेकिन एक बड़ी गैर मुबहम सी सूरत हाल थी सो कीपिंग इन व्यू ऑल अनसर्टन कंडीशंस डिमांड्स फ्रॉम द बोथ साइड्स लियात अली खान आफ्टर द डेथ ऑफ काद अजम ही टुक दिस इशू एंड प्रजेंटेड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रेजेंट किया तो उसमें फिर जब ये टसल चल रही थी तो उस दौरान फिर मौलाना अशरफ थानवी और मौलाना उन्होंने ये धमकी भी थी दी थी लिबरल्स को कि अगर आप बाज नहीं आएंगे तो हम आवाम के सामने सब कुछ ले आएंगे अब हम देखते हैं इस प्रोसेस को कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस 1947 फोटी सेवन टू फिफ्टी सिक्स जब पाकिस्तान बना पाकिस्तान बनने के बाद यू you नो know, पाकिस्तान को जरूरत थी जैसे मैंने कहा कि एक बुनियादी ज़रूरत है किसी रियासत की किसी इंसान की कानून तो इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान को दिया गया इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन इंटैरम कॉन्स्टिट्यूशन क्या था दैट वॉज द मॉडिफाइड अमेंडेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन थर्टी फाइव उसमें जो ज़रूरी अमेंडमेंट्स थी पाकिस्तान और इस्लाम हमारे मज़हब के मुताबिक जो ज़रूरी अमेंडमेंट थी वो अमेंडमेंट करने के बाद फिर उसको लागू किया गया और उसके तहत फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेम्बली वो फॉर्म की गई और कॉन्स्टिट्यूंट असेम्बली जो उसको कानून बनाने का टास्क दिया गया कॉन्स्टिट्यून असम्बली जो पाकिस्तान की वो जुलाई 26, 1947 को फॉर्म की गई और उसका पहला सेशन जो है 10 अगस्त 1947 को मुनकद किया गया जिसमें फिर प्रेसिडेंट और स्पीकर साहब का इंतबा अमल में लाया गया पाकिस्तान बनने से पहले पाकिस्तान 14 अगस्त को बनता है और उसके साथ ही फिर बेसिक प्रिंसिपल कमेटी वो भी बना दी जाती है जिसका मकसद ये था का कानून बनाने के लिए असूल वज़ा करना और इसी तरह फिर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वो भी पास की गई ताकि फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए गाइडलाइंस मुहैया की जाएं सो so, जैसे मैंने कहा कि जी टसल चल रही थी दो दो सेक्शंस टू सेक्शंस ऑफ सोसाइटी और उसको टेकअप किया उस टेंस uh, माहौल को थोड़ा सा लेस करने के लिए द प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली ख़ान प्रपोज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एज अ गाइडलाइन फॉर द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी एंड डेमोक्रेटिक फेथ ऑफ इस्लाम and this resolution was passed on March 12, 1949. ये एक खाका था ये बेसिक गाइडलाइंस थी कानून बनाने के लिए फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए इसके पास होने के साथ ही ये अमल जो रुका हुआ था, था दो साल के लिए तो ये शुरू हो गया फिर दोबारा से तो इसकी प्रोविजन क्या थी प्रोविजन जिसमें सबसे पहले यह कहा गया कि सॉवरनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह विच ही हैज डेलीकेटेड इट टू द स्टेट ऑफ पाकिस्तान थ्रू इट्स पीपल फॉर बींग एक्सरसाइज विद इन द लिमिट्स प्रेस्क्राइब बाय हिम एज अ सेक्रेट ट्रस्ट दूसरा द स्टेट शैल एक्सरसाइज इट्स पावर एंड अथॉरिटी थ्रू चूजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल लोगों के चुने हुए लोगों के जरिए सॉवरनिटी को एक्सरसाइज किया जाएगा द प्रिसिपल ऑफ डेमोक्रेसी फ्रीडम इक्वेलिटी टॉलरेंस सोशल जस्टिस एज इनाउंसिएटेड बाई इस्लाम शेल्ब बी फुली ऑब्जर्व जो डेमोक्रेसी का असूल है इक्वलिटी आज़ादी टॉलरेंस सोशल जस्टिस जो कि इस्लाम ने दिए हमें ये यूल वज़ा किए उनको ऑब्ज़र्व किया जाएगा उनको फॉलो किया जाएगा मोर ओवर ये भी कहा गया कि मुस्लिम जो मुसलमान हैं उनकी ज़िंदगी को इस काबिल बनाया जाएगा इंडिविजुअली और कलेक्टिवली कि वो इस्लाम की तालीमात, इस्लाम और क़ुरान और सुन्ना उनकी तालीमत के मुताबिक वो अपनी जिंदगियों को ढाल लें और इसी तरह मिनार्टीज़ उनको इख्तियार दिए जाएंगे उनको आज़ादी दी जाएगी किस लिए आज़ादी दी जाएगी टू फ्रीली प्रोफेस प्रैक्टिस देर रिलीजन एंड डवेल्प देर कल्चर कि अपने मज़हब पर वो अमल कर सकें आबादात कर सकें और अपने कल्चर को प्रमोट कर सके और ये कहा गया कि पाकिस्तान एक फेडरेशन होगा फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट वाज चूजन स्पेसिफाइड फॉर द इस्लाम बुनियादी हकूक रियासत उसकी जिम्मेदारी देगी फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स उनको इंश्योर किया जाएगा जुडिशरी आज़ाद होगी और ये रेजोल्यूशन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये क्रिटिसाइज की गई दोनों सेक्शंस की लिबरल्स की तरफ से भी और इसी तरह जो ट्रेडिशनलिस्ट थे या थ्योक्रेट्स थे उनकी तरफ से भी जो लिबरल्स थे उनके नज़दीक वो वादे पूरे नहीं किए गए जो कि होने चाहिए थे और इसी तरीके से जो मज़हबी या रिलीजियस सेक्शंस थे उन्होंने भी इस पर क्रिटिसाइज़ किया कि जो वादा किया गया था जिसके नाम पर पाकिस्तान हासिल किया गया पाकिस्तान को इस्लामी स्टेट या इसमें इस्लामिक प्रोविज़न शामिल नहीं की गई ये एक दरमियान में रख के एक मॉडरेट किस्म की एक ये रेजोल्यूशन पास की गई So, उसके बाद फिर जैसे मैंने कहा कि जी दो चीजें इस्टेब्लिश फॉर्म की गई बेसिक प्रिंसिपल कमेटी फॉर्म की गई 1949 में और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उसको प्रेजेंट किया अडॉप्ट किया गया और उसको पास किया गया तो बेसिक प्रिंसिपल कमेटी उसका बेसिकली फंक्शन था टू सेट द प्रिंसिपल्स फॉर द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन पहली बेसिक प्रिंसिपल कमेटी जो है उसके फोर्टी ट्वेंटी फोर मेम्बर थे और उसकी बहुत सी सब कमेटीज बनाई गई किसके लिए फॉर फेडरल एंड प्रोविंशियल ड्यूटीज फॉर ड्यूटीज की बजाय यू कैन से पावर्स फ्रेंचाइज इलेक्शन और वोटों के हवाले से जुडिशरी के हवाले से और फंडामेंटल राइट्स के हवाले से ये सब कमेटीज़ बनाई उन्होंने भी फिर ये असूल वज़ा करने थे बेसिक प्रिंसिपल आ, कमेटी की जो पहला ड्राफ्ट था ड्राफ्ट रिपोर्ट 1950 में और इसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है उसको एज अ प्रीएम्बल इब्तदाइया के तौर पर उसको रखा गया कि जी ये कानून के इब्ताइया में शामिल होगी कानून इससे बाहर नहीं होगा और जो लेजिस्लेचर होगा वो बाय कैमरल होगा दो उसके अवान होंगे अपर हाउस एंड लोअर हाउस अपर हाउस वाज कॉल्ड द हाउस ऑफ यूनिट्स एंड लोअर हाउस कॉल्ड हाउस ऑफ पीपल इसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन थी तमाम सूबों की जिसमें एक हंड्रेड मेंबर्स रखे गए और इसी तरह लोअर हाउस उसमें चार सौ मेम्बर रखे गए ऑन द बेसिस ऑफ पापुलेशन ताकि किसी के कोशिश ये की गई ताकि किसी के हकूक पर या कोई अपनी अक्सरीत की बुनियाद पर अददी अक्सरीत की बुनियाद पर वो किसी भी कानून को या कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस को वो इफ़ेक्ट ना कर सके तो इसलिए फिर जो अपर हाउस था उसमें इक्वल मेंबर्स तादाद रखी गई इक्वल रिप्रेजेंटेशन रखी गई और लोअर हाउस में आबादी के लिहाज से जिस सूबे की जितनी आबादी थी उसके मुताबिक सीट दे दी गई थी और हेड ऑफ़ स्टेट वो ज़ाहिर है जॉइंट सेशन से पाँच साल के लिए होगा और उर्दू को एज़ अ नेशनल लैंग्वेज करार दिया गया इस पर बहुत रिएक्शन आया और उसको क्रिटिसिज्म भी किया गया और इसमें क्रिटिसिज्म क्या था दैट वाज फेरली क्रिटिसाइज बाय रिलीजियस ग्रुप्स उन्होंने यह कहा कि जी इस्लाम के मतलब इसमें कुछ भी नहीं है और ईस्ट पाकिस्तानीज की तरफ से ये क्रिटिसाइज किया गया कि हमें हमारी आबादी के लिहाज से सीटें नहीं दी गई और बंगाली को एज अ नेशनल लैंग्वेज नहीं प्रपोज किया गया इसके अलावा अंडर रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल लेजिस एंड स्ट्रोंग सेंटर विद वॉस पावर्स ऑन फाइनेंशियल मैटर स्ट्रॉन्ग सेंटर जो था उस पर भी बंगालीज का आ, आ, की अप्रीहेंशंस थी कि दे हैविंग ऑब्जरवेशन के स्ट्रॉन्ग सेंटर और उसकी पावर्स एक रिप्रजेंटेशन जो थी अपर हाउस में तो उसके हवाले से भी उनको उनके एप्रीहेंशंस थी देविंग फियर और जिसमें के प्रिंसिपल ऑफ मजोरिटी को टर्न डाउन कर दिया गया उसको तब्दील कर दिया गया इन मिनोरिटी ये भी उनका एक स्टांस था और इसको ओवरऑल क्रिटिसाइज किया गया और उसके बाद फिर इसकी दूसरी रिपोर्ट आती है फाइनल रिपोर्ट आती है इस बेसिक प्रिंसिपल कमेटी की और सेकंड ड्राफ्ट में ये कहा गया कि जी हेड ऑफ स्टेट विल बी ए मुस्लिम उसकी पावर्स में हेड ऑफ़ स्टेट में कोई भी मतलब पावर्स में चेंज नहीं की गई मतलब उसकी अपॉइंटमेंट करना जुडिशरी की जुडिशरी से मुराद है चीफ जस्टिस की और इस तरह सफीरों की और इसी तरह फौज के तो ये उसके पावर्स में था कोई पावर चेंज नहीं की गई और इक्वल रिप्रेजेंटेशन अपर हाउस में वो रखी गई साठ साठ सीटें एक सौ बीस सीटें रखी गई और इसी तरह फिर हाउस ऑफ पीपल लोअर हाउस में दो 200-200 सीट्स 200 रखी गई मोर पावर्स वर गिवन टू लोअर हाउस इसमें यह किया गया कि लोअर हाउस को मज़ीद ज़्यादा पावर्स दी गई और लॉ मेकिंग वुड बी इन अकॉर्डेंस विद इस्लाम जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है वो इस्लाम के मुताबिक होगा और ये भी इसमें कहा गया कि कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जो इस्लामिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ हो के अपोजिट हो और इस रिपोर्ट में नेशनल लैंग्वेज पर ही खामोशी इख्तियार की गई इस रिपोर्ट को भी क्रिटिसाइज किया गया पंजाब की तरफ से ख़ास तौर पर और इक्वल रिप्रेजेंटेशन पे कि जी इट वाज़ क्रिटिसाइज फ्रॉम पंजाब ऑन इक्वल रिप्रेज़ेंटेशन दैट ईस्ट पाकिस्तान वुड ईजीली डोमिनेट वेस्ट पाकिस्तान विच हैड बिन डिवाइडेड इनटू नाइन यूनिट्स सो इसको भी रिजेक्ट दिया गया गवर्नमेंट टॉपल कर दी गई और देन इसको प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए तो ये तमाम अप्रीहेंशन को खत्म करने के लिए बोगरा फार्मूला इट वाज प्रेजेंटेड इन 1953 बाय मोहम्मद अली बोगरा ही वर्क फॉर द वर्केबल कॉन्स्टिट्यूशन दिस फार्मूला वाज डिस्कस्ड एंड अप्रूव्ड बाय कॉन्स्टिट्यून असम्बली बिफोर इट कुड बी रिटर्न डाउन फ्रॉम इन फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गुलाम मोहम्मद मोहम्मद गुलाम मोहम्मद गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने असम्बली को डिज़ोल्व कर दिया इन 1954 जिसको फिर आ, सिंध हाई कोर्ट ने दोबारा से बहाल किया लेकिन फेडरल कोर्ट ने जो सिंध हाई कोर्ट आ, जो फ़ैसला था मल गुलाम मोहम्मद का उसको स्ट्रेंथन किया और या फिर सिंध हाई कोर्ट का फैसला जो रिवर्ट किया वहाँ से बुनियाद पड़ी ये जो जुडिशल आप कह लें कि एक्टिविज़म है या फिर आर्मी को या उनको सियासतदानों को प्ली देना वहाँ से ये आर्मी जुडिशरी और एग्जेक्टिव का जो आप ये कह लें कि एक गठजोड़ हमारे सामने आता है जिसके जो जो मारशाला की सूरत में जो मिलिट्री डोमिनेंस की सूरत में हमारे सामने आया बाद में द लेजस्लेचर पाई कैमरल होगी दारे दो ही अवान होंगे जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं अपराउ जो है उसमें फिफ्टी सीट्स होंगी इस फार्मूले के मुताबिक पाँच यूनिट्स होंगे इस ईस्ट बंगाल पंजाब एन डब्ल्यू एफ पी फ्रंटियर स्टेट सिंध खैरपुर एंड बलूचिस्तान बोगरा फार्मूला रिड्यूस द नाइन यूनिट्स ऑफ वेस्ट पाकिस्तान इंटू फोर यूनिट्स लोअर हाउस उसकी 300 सीटें होंगी जिसमें ईस्ट बंगाल की 165 पंजाब की 75 फाइव एन की 13 सिंध की 19 स्टेट ऑफ खैरपुर की 1 बलोचिस्तान की 3 और बहावलपुर स्टेट की 7 दोनों हाउसेस को इक्वल पावर्स दी गई तमाम मैटर में और प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी उसको मेंटेन किया गया उसको इस फार्मूले में बैलेंस करने की कोशिश की गई और किसी हद हाँ तक चीज़ों को बैलेंस किया गया और इसी तरह फिर सेकेंड कॉन्स्टिट्यूंट असेम्बली 1955 में इसको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया गया बाय प्रोवेंशियल असेंबलीस और इस कॉन्स्टिट्यूंट असेम्बली ने बनने के बाद फिर ये फरीजा संभाला कानून बनाने का और ये जो कंट्रोवर्सी थी ओवर द पावर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑन लैंग्वेज तो इसको एड्रेस करने के लिए एक स्कीम सामने लाई गई वो है वन यूनिट स्कीम इसका मतलब है कि दोनों विंग्स को उस वक्त का पाकिस्तान दो हिस्सों में तकसीम था ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान के आगे चार सूबे थे और फिर कई रियासतें थी उसमें शामिल तो उधर जो ईस्ट पाकिस्तान था वो एक ही यूनिट था सो so, ये एक गंभीर किस्म की सूरत हाल थी जिसकी वजह से कोई भी फॉर्मूला वो वर्केबल नहीं बन पाया लिहाजा 1954 में इस स्कीम को लाया गया और 1955 में ये पास हो गई द प्रोवेंसेज इन वेस्ट पाकिस्तान हैड कम्प्लीकेटेड हैड कंप्लीकेटेड द इशू इट वॉज हैंडल बाई यूनाइटिंग ऑल वेस्ट पाकिस्तानी यूनिट्स इन टू वन यूनिट मतलब पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान के जितने भी यूनिट्स थे उनको मिलाकर एक यूनिट बना दिया गया इक्वल टू ईस्ट पाकिस्तान इसका मतलब पाकिस्तान दो यूनिट्स या दूसरे लफ्जों में दो सूबों में तकसीम कर दिए गए बाई दिस स्टेप बोथ पार्ट्स हैड बिकम टू यूनिट्स एंड कूड बी एड्रेस इक्वली वन यूनिट स्कीम हेल्प द टास्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग टू अचीव सक्सेसफुली द प्रीवियस कमेटीज वर्क प्रजेंटेड इन इट द सेकेंड कॉन्स्टिट्यून असम्बली ऑन जनवरी नाइन नाइन नाइनटीन फिफ्टी सिक्स इट वॉज़ अप्रूव ऑन जनवरी ट्वेंटी नाइन नाइनटीन फिफ्टी सिक्स विद अमेंडमेंट्स जो पहले कमेटीज़ ने काम किया हुआ था उनको प्रजेंट किया गया कॉन्स्टिट्यून असम्बली में और अमेंडमेंट के साथ उसको जनवरी ट्वेंटी नाइन को उसको अप्रूव कर लिया गया और 23 मार्च 1956 को ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर दिया गया पाकिस्तान में और उस दिन से ही पाकिस्तान रिपब्लिक बन गया और इस्लामिक रिपब्लिक बन गया तो ये जो अरसा था 1947 से मार्च 1956 तक तो ये बड़ा एक कठिन दौर था जिसमें पाकिस्तान को कानून बनाने के लिए बहुत सी मुश्किल मरहल से गुजरना पड़ा एनी हाउ आफ्टर आफ्टर डिली ईयर्स पाकिस्तान गॉट स्टेटस पाकिस्तान गॉट इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन दैट वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नाइनटीन फिफ्टी सिक्स वी हैव टू एक्सप्लोर द मेन फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 फिफ्टी so को देखना होगा जो कॉन्स्टिट्यूशन इतने साल लगाकर बना और वो क्या था दार इसको देखना हो जरूरी है सो लेट्स सी कि जी इसके मेन फीचर्स क्या हैं इस पहला फीचर इसका है पाकिस्तान बिकेम अ फेडरल रिपब्लिक पाकिस्तान एक फेडरल रिपब्लिक बन गया पाकिस्तान फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन गया उसमें फेडरेशन और यूनिट्स थे फेडरेशन एंड टू यूनिट्स ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान ऑन इक्वल बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ इक्वलिटी सबसे बड़ी इसकी खूबी ये है कि पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक बन गया जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान को हासिल किया गया पहले पाकिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक वो डिफाइन नहीं किया गया था ऑन द एजुटेशन या आफ्टर द एजुटेशन इस्लामिक रिपब्लिक इसमें इंक्लूड कर दिया गया तो लिहाजा पाकिस्तान इस्लामी मुमलकत भी बन गया ऑफिशली और जो सॉवरनेट थी वो डेजिग्नेट की गई अल्लाह ही इसका मालिक है इस ज़मीन का तमाम का और उसमें यह था कि जी जो वाम के चुने हुए नुमाइंदे अल्लाह ताला की इन पावर्स को लोगों की फलाह के लिए एक्सरसाइज करेंगे ये भी कहा गया कि हेड ऑफ स्टेट मुसलमान होगा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया गया पार्लियामेंट होगी अपर हाउस लोअर हाउस उसके हम तफसील पहले जान चुके हैं कि सीट्स की

उसमें अमेंडमेंट लाई जा सकती हैं, लेकिन जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसमें टू थर्ड मेजॉरिटी के साथ अमेंडमेंट की जा सकती हैं। सो so, 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो लेस ये फ्लेक्सिबल था आप कह सकते हैं। इसी तरह फंडामेंटल राइट्स को इंश्योर किया गया और फंडामेंटल राइट्स को इंश्योर करने के लिए हमेशा अदालतें होती हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फंडामेंटल राइट्स को ही इंश्योर करती हैं इंडिपेंडेंट ज्यूरी जुडिशरी ये कहा गया कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी और इंतज़ामिया सेलहदा होगी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ पावर्स वो उसमें पावर्स जो हैं सेंटर की और प्रोवेंस की उसको सेपरेट किया गया डिस्ट्रीब्यूट किया गया उसमें तीन लिस्टें बनाई गई जिसमें सिक्सटी फाइव क्लॉज पावर्स डेट वर गिवन टू फेडरल गवर्नमेंट थर्टी फाइव आई थिंक फॉर प्रोविंस और उसमें एक कंक्रंट लिस्ट भी रखेगी मुशतरका जिसमें दोनों सेंटर और प्रोविंस कानून साजी कर सकते हैं लेकिन अगर पहले फेडरेशन कान कानून साजी करेगी तो वो एक्सेप्टेबल होगी दो लैंग्वेज जिसका uh, जिसकी डिमांड भी की थी बंगालियों ने और दोनों बंगाली और उर्दू को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है मिनोरिटीज के राइट्स को इंश्योर किया गया दैट दे कैन प्रोफेस एंड प्रैक्टिस देयर रिलीजियस ट्रेडिशंस एंड प्रमोट देयर कल्चर इस्लामिक एडवाइजरी काउंसिल बनाएगी पाकिस्तान को एक इस्लामी रियासत बनाने के लिए कंक्लूडिंग आई कैन से जी पाकिस्तान को पहला कानून बनाने के लिए बहुत लंबा अरसा या बहुत से कठिन मराहल से गुजरना पड़ा और बिल आखिर आफ्टर आर लॉट ऑफ डिस्कशंस आफ्टर आर लॉट ऑफ अटैम्प द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वज फ्रेम्ड इन 1956 एंड इट वॉज इम्प्लीमेंटेड लेकिन बदकिस्मती से ये दो साल से ज़्यादा नहीं चल सका मार्शल आ गया और मार्शाला की वजह से इसको ख़त्म कर दिया गया थैंक यू वेरी मच